देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। ऐसे में मुंबई में रह रहे मजदूर वर्ग के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों की संख्या में जुट गए। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की मानी जा रही है कि लॉकडाउन जारी होने के बावजूद भी इतनी भारी संख्या में लोग आखिर बांद्रा स्टेशन तक कैसे पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने लोगों के खिलाफ सख्ती अपनाते हुए लाठी चार्ज कर दिया है, जिसके बाद बांद्रा स्टेशन धीरे धीरे खाली भी होने लगा है। वहीं बताया जा रहा है कि सभी लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं, जो बांद्रा में ही आसपास झुग्गियों में रहते हैं। 21 दिनों तक इन्होंने जैसे तैसे लाइन में लगकर खाना लेकर दिन काट लिए, लेकिन अब लॉकडाउन बढ़ जाने के कारण इनसे रहा नहीं गया और ये सभी भारी संख्या में जुटकर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन्हें इनके घर वापस भेजा जाए या फिर इनके रहने और खाने की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त की जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि इतनी भारी संख्या में भीड़ कैसे पहुंची या किसकी साजिश थी, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि अब पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण ना फैल पाए। आपको बता दें कि अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई में ही हैं। यहां कोरोना के मरीजों की संख्या 2400 के पार पहुंच चुकी है, जिस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो आने वाले समय में ये बढ़ाया हुआ लॉकडाउन भी असफल साबित होगा। न्यूज़ डेस्क।